नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज बताने जा रही हूँ ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऑल राउंडर रेनू को और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। एक चम्मच घी ले लेंगे और इसमें 150 ग्राम मावा भूनेंगे। इस तरह मावा को चलाते रहेंगे, नरम होने तक पकाएंगे। इसमें 50 ग्राम चीनी डालेंगे और इसे मावा के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पिघलने तक। चीनी पिघल चुका है और मावा भून चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इधर दूसरी तरफ दूध में इलायची डाल देंगे फ्लेवर के लिए। दूध 1 लीटर है और इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। इसमें 50 से 60 ग्राम तक चीनी मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ 50 ग्राम मिक्स किया है, आप स्वाद अनुसार चीनी डाल लें। ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड के चारों तरफ से हमें काट लेनी है इस तरह से। अब ब्रेड को हमें बेल लेनी है इस तरह से, दोनों तरफ से बेल लेनी है। अब इसमें हमें मावा भरनी है। आप मावा में ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं। इस तरह से मेवा रख कर अब इसे हमें मोड़ना है, इस तरह से मोड़ लेना है। इसी तरह से हमें बनानी है और दोनों तरफ से हल्की हल्की काट देनी है, ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। इस तरह से काट दे दोनों तरफ से। इसी तरह से रोल हमें बना लेनी है ब्रेड की सभी को। अब जो हमने दूध को गाढ़ा किया है, अब इस रोल के ऊपर डाल देंगे रबड़ी को। रबड़ी में आप इलायची का भी फ्लेवर दे सकते हैं, केवड़ा जल का भी दे सकते हैं और गुलाब जल का भी दे सकते हैं, जो पसंद हो। इस तरह सारे रोल के ऊपर डाल देंगे रबड़ी को। ये केसर वाला दूध है, हल्का सा दूध में केसर मिला दे तो इस तरह का कलर आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। इस तरह से डाल देंगे ऊपर में, ताकि देखने में अच्छा लगे। आप इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दें, अगर है तो लगाएं, नहीं तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, सजा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स डाल के। मैं यहाँ पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। मलाई रोल बन के तैयार है। आप इसे फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा खाएं। अगर आपको ब्रेड मलाई रोल की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।